नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि अरुणाचल प्रदेश के 12 टूरिस्ट सर्किट के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे तीसरा टूरिस्ट सर्किट के बारे में। और अगर आपने दूसरी टूरिस्ट सर्किट का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आई बटन में क्लिक करके आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश का जो तीसरा सर्किट होता है, पासीघाट, चेंगिंग, इंकियोंग और टूतिंग। पूर्वी सियांग जिले का मुख्यालय पासीघाट अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से 270 किलोमीटर दूर स्थित है। यह तत्कालीन नेपाल का सबसे पुराना प्रशासनिक केंद्र है। यह ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य सहायक नदी सियांग के तट पर स्थित है। बर्फ से ढकी चोटियों, चट्टानी पहाड़ों और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों से घिरा यह सर्किट प्रकृति से प्यार करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक अनूठा डेस्टिनेशन है। चलिए बात करते हैं डेंग एरिंग वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। डेंग एरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पासीघाट से 13 किलोमीटर दूर नदी द्वीपों के समूह में फैला हुआ है। अभयारण्य तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता सियांग नदी के माध्यम से क्रूज द्वारा है। सियांग नदी को पार करके वहां पहुंचा जा सकता है। इस अभयारण्य के अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र ने इसे पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के लिए एक प्राकृतिक आवास बना दिया है, जिसमें प्रवासी पक्षी जैसे क्रेन, जंगली बतख, सारस, जल पक्षी आदि शामिल हैं, जो हर साल सितंबर से फरवरी तक साइबेरिया और मंगोलिया से आते हैं। यह अभयारण्य शौकिया और पेशेवर पक्षी विज्ञानियों के लिए एक वास्तविक आनंद के लिए स्थित है। यह वन द्वीप हॉग डियर, हार्पीडर और जंगली भैंस, सांबर, हाथी और अन्य वर्षावन और सूक्ष्म जीवों के घर हैं। रिवर राफ्टिंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए सियांग नदी एक प्रमुख आकर्षण है। यह अपर सियांग के तूतिंग में शुरू होता है। नदी निगोइंग और मारमम की घाटियों से होकर गुजरती है। दोनों अपने घने जंगल के आवरण के साथ हैं। यह एक क्षेत्र में सबसे बड़ी मात्रा में सफेद पानी है, जिसे दुनिया में सबसे दुर्गम में से एक के रूप में दर्जा दिया जाता है। बस कूद बंद बिंदु तक पहुँचने में नाव और जीप द्वारा 4 दिनों की यात्रा होती है। टूतिंग से पासीघाट तक 180 किलोमीटर की स्वनिहित दौड़ में मोइंग मैडनेस, जेब्रा रॉक और पल्सेटिंग पलेसी जैसे नामों के साथ बड़े पैमाने पर रैपिड्स का 10 मील का विस्तार शामिल है। समृद्ध जलीय जीवन की प्रचुरता ने बार बार एंग्लर्स को आकर्षित किया है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मॉलिंग नेशनल पार्क के बारे में। मॉलिंग नेशनल पार्क चेंगिंग पासीघाट से 195 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हरी भरी वनस्पतियाँ और कुछ दुर्लभ वन्य जीवों जैसे टाकिंग्स, सेरो, गोरल, क्लाउडेड लेपर्ड, ब्लैक बियर, तेंदुआ, लाल पांडा आदि का घर है। सर्दियों के दौरान इस पार्क में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी देखे जाते हैं। इस क्षेत्र में सियांग नदी प्राकृतिक और प्राकृतिक सुंदरता की ऊंचाई पर है। हिमालय से गुजरते हुए यह सुंदर परिदृश्य और प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं केकर मॉर्निंग या ब्लैक रॉक। यह पूर्वी सियांग जिले में है। यह राज्य के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है, जहां आदिश के स्मारक बनाए गए हैं, जिन्होंने 4 दिसंबर 1911 को इस स्थल पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और वीरता पूर्वक मृत्यु को प्राप्त हुए। यह रॉक लगभग 500 मीटर लंबाई के साथ 50 मीटर ऊंची है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगली डेस्टिनेशन कॉमसिंग के बारे में। यह वह जगह है जहाँ अंग्रेजों ने सर एन विलियमसन का एक शिलालेख पत्थर बनवाया था, जिसे नरमी मनमोर जमोह ने दिया था। अंग्रेजों द्वारा निर्मित एक लंबा और ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज भी है। अगली डेस्टिनेशन है इंकियोंग। पासीघाट से 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह ऊपरी सियांग जिले का मुख्यालय है और सुंदर परिदृश्य और प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थित है। अगली डेस्टिनेशन है देहांग। इस रिजर्व में ऊपरी सियांग जिले में चेंगिंग, टूतिंग, गेलिंग और सिंगा का एक हिस्सा और दिबांग घाटी जिले में मिप्पी और अनिनी शामिल हैं। यह 5111 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, जिसमें 500 से 16000 फीट की ऊंचाई के साथ ऊंचाई में भिन्नता है, जो बर्फ से ढकी चोटियों और हिमनद झीलों की ओर जाता है। यह रिजर्व 8 प्रकार के वनों को समायोजित करता है। उप उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती, उप उष्ण कटिबंधीय देवदार, समशीतोष्ण चौड़ी पत्ती, समशीतोष्ण शंकु वृक्ष, उप अल्पाइन स्क्रब, अल्पाइन चारागाह, बांस के पेड़ और घास के मैदान।
यह देश में चिन्हित जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक है। गेलिंग टूटिंग सिंगा त्रिभुज बौद्ध धर्म के तिब्बती रूप के पेमाको जोन का गठन करता है, जिसमें शांत प्राकृतिक वातावरण के बीच लामाओं के छोटे छोटे गांव हैं। गोम्पा और बौद्ध मंदिरों में स्वर्ण बुद्ध की मूर्तियां, पुराने स्क्रॉल और बौद्ध धर्म के तिब्बती रूप की अन्य पारंपरिक कलाकृतियां हैं। तो दोस्तों, ये थी अरुणाचल प्रदेश की तीसरी टूरिस्ट सर्किट की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।